Please subscribe the channel and press bell icon to get notifications of new videos. हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था नेटवर्किंग एंड इंटरनेट। और नेटवर्किंग में हमने देखा कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, मींस उसकी डेफिनेशन क्या होती है, नेटवर्किंग की नीड्स क्या क्या हैं, या कह सकते हो कि नेटवर्किंग के एडवांटेज क्या हैं, उसके लाभ क्या हैं। और उसके बाद हमने देखा था टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग, कि नेटवर्क कितने टाइप के होते हैं, जिसमें मेनली हमने पढ़ा तीन टाइप के, लैन, मैन एंड वैन। उसके बाद चार जो है वो और नाम भी थे, जिसमें था पैन, कैन, शैन एंड डब्ल्यू लैन। तो ये हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग में। और आज हमारा टॉपिक रहेगा एफटीपी। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है एफटीपी। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, एफटीपी की फुल फॉर्म देखोगे। एक नंबर का क्वेश्चन आता है यहाँ से कि एफटीपी का पूरा नाम बताइए। एफटीपी का पूरा नाम होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एफटीपी का पूरा नाम है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, कि फाइल को जो ट्रांसफर करे वो प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे प्रोटोकॉल क्या है, प्रोटोकॉल क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स, कुछ रूल्स का ग्रुप जो है उसको प्रोटोकॉल बोला जाता है। किसी भी कुछ भी है, कोई एग्रीमेंट है किसी के लिए भी, अगर कुछ प्रोटोकॉल्स बन रहे हैं तो प्रोटोकॉल्स का मतलब यही होता है सेट ऑफ रूल्स। चाहे वो प्रोटोकॉल किसी भी टाइप का हो, वहां पे रूल्स ही होते हैं, सेट ऑफ रूल्स को ही क्या बोला जाता है, प्रोटोकॉल बोला जाता है। तो एफटीपी का जो पूरा नाम है वो है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये जो एफटीपी है, जो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, यह क्लाइंट सर्वर नेटवर्क पे, यहां पे क्लाइंट लिखी हुई है कि यह प्रोटोकॉल क्लाइंट सर्वर नेटवर्क पे दो कंप्यूटर्स के बीच फाइल को ट्रांसफर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहां पे क्लाइंट सर्वर नेटवर्क का मतलब क्या है कि एक नेटवर्क है, उसमें एक क्लाइंट है और एक सर्वर है, उनके बीच में फाइल्स को ट्रांसफर किया जा रहा है। ठीक है, एक क्लाइंट है और एक सर्वर है, उनके बीच में फाइल्स को ट्रांसफर किया जा रहा है। तो वो किसकी हेल्प से हो रहा है, एफटीपी की हेल्प से। एफटीपी क्या है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और प्रोटोकॉल क्या है, सेट ऑफ रूल्स। तो देखिए, यह प्रोटोकॉल क्लाइंट सर्वर नेटवर्क पर दो कंप्यूटर्स के बीच फाइल्स को ट्रांसफर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह प्रोटोकॉल कंप्यूटर के बीच में दो कनेक्शन बनाता है। जब फाइल्स को ट्रांसफर किया जा रहा है तो वो जो पूरी प्रोसेस हो रही है उसमें क्या है कि उन कंप्यूटर्स के बीच में, क्लाइंट और सर्वर के बीच में दो टाइप के कनेक्शन बन रहे हैं। दो टाइप के कौन कौन से कनेक्शन बन रहे हैं, एक कनेक्शन तो डेटा को ट्रांसफर करने के लिए होता है, जिसको डेटा ट्रांसफर कनेक्शन कहा जाता है। जो एक कनेक्शन है वो किस लिए है, डेटा ट्रांसफर करने के लिए। और दूसरा क्या है, इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करने के लिए, जिसको कंट्रोल प्रोसेस बोला जाता है। यहाँ पे दो कनेक्शन बनेंगे, एक तो होगा डेटा ट्रांसफर करने के लिए और दूसरा होगा इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो डेटा ट्रांसफर और जो कंट्रोल कमांड्स है उनको अलग अलग करने से क्या होता है कि इस नेटवर्क की एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। डेटा ट्रांसफर और कंट्रोल प्रोसेस का अलग अलग कनेक्शन बनाने से क्या एडवांटेज हुआ, कि उसकी जो क्षमता है, जो उसकी एफिशिएंसी है, वो इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। एक आपको ये ध्यान रखना है कि डेटा ट्रांसफर के लिए जो पोर्ट नंबर है, जो पोर्ट एड्रेस है, वो तो है 20, और कंट्रोल प्रोसेस के लिए जो पोर्ट एड्रेस है वो होता है 21। डेटा ट्रांसफर के लिए होता है 20 और कंट्रोल प्रोसेस के लिए होता है 21। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि एक तो एफटीपी की जो फुल फॉर्म है वो होती है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो क्या करता है, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क पे काम करता है फाइल्स को ट्रांसफर करने के लिए। अगर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे फाइल को ट्रांसफर करना है तो किस तरह से होगा,
किसकी हेल्प से होगा? एफटीपी की हेल्प से होगा। और एफटीपी में क्या होगा, दो कनेक्शन बनेंगे, एक डेटा ट्रांसफर करने के लिए, एक कंट्रोल प्रोसेस के लिए। तो जो डेटा ट्रांसफर है उसका जो पोर्ट एड्रेस रहेगा वो रहेगा 20। नेटवर्किंग में पोर्ट एड्रेस होते हैं, तो डेटा ट्रांसफर के लिए जो पोर्ट एड्रेस रहेगा वो 20 रहेगा, और कंट्रोल प्रोसेस के लिए पोर्ट एड्रेस रहेगा वो 21 रहेगा। थर्ड बात ये ध्यान रखनी है कि जो एफटीपी प्रोटोकॉल है वो किस प्रोटोकॉल का यूज करता है, वो यूज करता है टीसीपीआईपी प्रोटोकॉल का। एफटीपी प्रोटोकॉल जो है वो टीसीपीआईपी प्रोटोकॉल का प्रयोग करता है। तो अब चलिए इसका डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम देखिए कितना अच्छा डायग्राम है इसका। डायग्राम में आप देखोगे तो यहां पे यूजर है। यूजर कौन सी साइड होगा? क्लाइंट साइड होगा। ये क्लाइंट साइड है और ये सर्वर साइड है। हमने देखा कि जो एफटीपी है वो क्लाइंट सर्वर नेटवर्क पे काम कर रहा है, तो यहाँ पे एक साइड क्लाइंट सर्वर क्लाइंट होगा और दूसरी साइड सर्वर होगा। दो साइड्स हैं यहाँ पे, क्लाइंट एंड सर्वर। तो क्लाइंट साइड पे क्या है, देखिए यहाँ पे यूजर है, और जो यहाँ पे क्लाइंट नेटवर्क है, क्लाइंट साइड पे क्या है, जो क्लाइंट है उसके पास 3 components हैं। क्लाइंट के पास 3 components है, कौन कौन से? यूजर इंटरफेस, क्योंकि यहाँ पे यूजर है, कंट्रोल प्रोसेस एंड डेटा ट्रांसफर प्रोसेस। और डेटा ट्रांसफर के साथ यहाँ पे डिस्क लगी हुई है, और डेटा ट्रांसफर के साथ यहाँ पे भी डिस्क लगी हुई है। तो आप देखिए कि जो क्लाइंट है उस साइड में 3 components है, और जो सर्वर है उस साइड में 2 components है। कौन कौन से? सर्वर कंट्रोल प्रोसेस और डेटा ट्रांसफर प्रोसेस। अब देखिए ये तो क्लियर हो गया कि यहां पे तो हमारे पास 3 components है और यहां पे 2 components है। अब क्या है कि जो कंट्रोल प्रोसेस के बीच में जो कनेक्शन बना हुआ है, कंट्रोल कनेक्शन इज मेड बिटवीन कंट्रोल प्रोसेस। कंट्रोल प्रोसेस के बीच में कौन सा कनेक्शन है? कंट्रोल कनेक्शन। और हमें पता है कि कंट्रोल कनेक्शन का जो पोर्ट एड्रेस होता है वो होता है 21। ये दोनों साइड क्या है, यहाँ पे कंट्रोल प्रोसेस है, और कंट्रोल प्रोसेस के बीच में जो कनेक्शन है वो है कंट्रोल कनेक्शन, जिसका पोर्ट एड्रेस होता है 21। और जो डेटा कनेक्शन है वो किसके बीच में है? डेटा ट्रांसफर प्रोसेस के बीच में। क्लाइंट एंड सर्वर साइड में जो डेटा ट्रांसफर प्रोसेस है उनके बीच में होता है डेटा कनेक्शन, जिसका पोर्ट एड्रेस होता है 20। ओके, कंट्रोल कनेक्शन का पोर्ट एड्रेस 21 और डेटा कनेक्शन का पोर्ट एड्रेस 20 होता है। कंट्रोल कनेक्शन जो बनता है वो बनता है कंट्रोल प्रोसेस के बीच में, और डेटा कनेक्शन बनता है डेटा ट्रांसफर प्रोसेस के बीच में। नेक्स्ट आता है कि ये जो कंट्रोल कनेक्शन है, ये वाला कनेक्शन, ये क्या होता है, जितने देर एफटीपी का सेशन जो है वो रहता है उतनी देर ये कनेक्शन जो है वो एक्टिव रहता है। जो कंट्रोल कनेक्शन है वो कनेक्टेड रहता है जब तक एफटीपी का सेशन चलता है। मींस जब तक एफटीपी काम कर रहा है, जब तक एफटीपी का सेशन चल रहा है, तब तक कंट्रोल कनेक्शन रिमेंस कनेक्टेड। और डेटा कनेक्शन क्या है? डेटा कनेक्शन जो है वो हर एक फाइल के लिए ओपन होगा और फिर क्लोज होगा। डेटा कनेक्शन इज ओपन एंड देन क्लोज फॉर ईच फाइल ट्रांसफर। ओके, तो यहां पे आपको ये ध्यान रखनी है कि जैसे ही एफटीपी सेशन स्टार्ट होगा, कंट्रोल कनेक्शन ओपन होगा, और जब कंट्रोल कनेक्शन ओपन होगा, डेटा कनेक्शन कैन बी ओपन, डेटा कनेक्शन भी ओपन हो जाएगा। और क्लोज कब होगा डेटा कनेक्शन? हर एक फाइल के ट्रांसफर के बाद। लेकिन जो कंट्रोल कनेक्शन है वो हर एक फाइल के ट्रांसफर के बाद क्लोज नहीं होगा, डेटा कनेक्शन हर बार क्लोज होगा। जैसे फाइल ट्रांसफर हो जाएगी, डेटा कनेक्शन क्लोज हो जाएगा, लेकिन कंट्रोल कनेक्शन रिमेन्स कनेक्टेड ड्यूरिंग द इंटायर इंटरेक्टिव एफटीपी सेशन। जब तक एफटीपी सेशन चलेगा, कंट्रोल कनेक्शन एक्टिव रहेगा, कनेक्टेड रहेगा।
लेकिन डेटा कनेक्शन जो है वो मल्टीपल टाइम ओपन होगा और क्लोज होगा। ओके, तो ये था एफटीपी। एफटीपी क्या होता है? एक प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल क्या है? सेट ऑफ रूल्स। तो एफटीपी कौन सा प्रोटोकॉल है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो फाइल्स को ट्रांसफर करता है। दो कनेक्शन बनते हैं, डेटा कनेक्शन और कंट्रोल प्रोसेस कनेक्शन। कंट्रोल कनेक्शन का जो पोर्ट एड्रेस है वो 21 होता है और डेटा कनेक्शन का जो पोर्ट एड्रेस है वो 20 होता है। ये दो साइड पे होता है, क्लाइंट और सर्वर साइड नेटवर्क पे ये काम करता है। क्लाइंट साइड में तीन जो कंपोनेंट होते हैं, यूजर इंटरफेस, कंट्रोल प्रोसेस एंड डेटा ट्रांसफर प्रोसेस, और सर्वर साइड में दो कंपोनेंट है, कंट्रोल प्रोसेस एंड डेटा ट्रांसफर प्रोसेस। कंट्रोल कनेक्शन इंटायर एफटीपी सेशन कनेक्टेड रहेगा, क्लोज नहीं होगा, लेकिन डेटा कनेक्शन क्लोज होता रहेगा आफ्टर ट्रांसफर द फाइल। ओके, तो ये वाला टॉपिक आपको अच्छे से कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान है, छोटा सा है। आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक ऐसे ही पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।